अरे यार मुझे फैंकी भैया के लिए कहीं पे भी कपड़े मिल ही नहीं रहे। अब मैं क्या करूँ यार, फैंकी भैया की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है कैसर। अभी आपको दिखाता हूँ फैंकी भैया को क्या हो गया। अरे कैसर आपको पता है कितनी ज्यादा ठंड हो रखी है, ये देखो यार फैंकी भैया की हालत क्या हो गई है। उनके पास कपड़े नहीं है, उनके बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अरे यार फैंकी भैया कपड़े ला दे, भूख भी लग रही है। अरे फैंकी भैया टेंशन मत लो, मैं आज आपके लिए कपड़े खाना सबकी सब चीजें ला के रहूंगा। शिनचैन बचा ले। अरे फैंकी भैया टेंशन मत लो यार, अभी फैंकी भैया के लिए फटाफट से कपड़े लाने पड़ेंगे वरना फैंकी भैया तो मर जाएंगे ठंड में। अरे अंकल सुनो सुनो मेरी बात, ये लो अंकल को मारूंगा, अंकल के सारे कपड़े उतार के फैंकी भैया को दे दूंगा। अरे लो अंकल आपके फटाफट से कपड़े दे दो मुझे। अरे कैसे अभी मैंने अंकल के सारे कपड़े ले लिए और ये फैंकी भैया को दूंगा, चलो चलो फटाफट चलते हैं। अरे फैंकी भैया ये लो कपड़े पहन लो। अब थोड़ी ठंड कम हुई कायजर, हम 3 दिन से इस ठंड में इधर ही भटके जा रहे हैं इधर उधर, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं थे, कपड़े अभी मिले मुझे और हमने यार इतने दिनों से कुछ खाने भी नहीं खाया। आज सिंचन अब मैं चलने के लायक हूँ, मतलब इतनी ठंड नहीं लग रही क्योंकि मैंने यार टी शर्ट पहन ली है, तो फटाफट से थोड़ा खाना वाना ढूंढते हैं। ए फैंकी भैया खाना जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा फिर हम ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। अरे बचाओ मेरे को। ए फैंकी भैया सोने का टाइम नहीं, चलो चलो। अरे मैं सो नहीं रहा हूँ यार, वो मेरे को ठोकर मार के चला गया था, चल यार फटाफट से कहीं पे खाना ढूंढते हैं। अरे फैंकी भैया वहाँ पे काम करने गए थे ना, वहाँ पे क्या हो गया। और रुक जाओ शिनचैन, ये क्या, और मुझे लगता है यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया और ये पूरी गाड़ी ठुक रखी है और यहाँ पे कोई मरा भी पड़ा है। रुक जाइए, तो गाड़ी के नीचे आके मुझे पहले गाड़ी साइड करनी पड़ेगी। अच्छा चाबी भी लगी, फटाफट से साइड कर लेता हूँ। अरे यार ये तो गाड़ी के नीचे दब गया है। अरे फैंकी भैया इसको तो बचाना पड़ेगा। और गाइस सर अभी हम इसको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, ही पता नहीं कौन है इसकी पूरी गाड़ी, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा था, इसको हम फटाफट से अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इसी की गाड़ी में। बहुत बढ़िया काम किया, अगर तुम इसको टाइम पे यहाँ पे नहीं लेके आ पाते तो ये ठंड में मर जाता। थैंक यू। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो यार मैं चलता हूँ, चल चिंतन चले। अरे भी चलो यहाँ पे तो खाना पड़े। अरे ये क्या, इतने सारे पुलिस वाले भैया कर रहे हैं। ए तूने क्या किया है, तुझे पता है। मैंने क्या किया। तूने लॉस सैंटोस के सबसे अमीर आदमी की गाड़ी ठोक दी। मैंने कब ठोकी। अरे मैं तो बचा के लाया हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमें पता है तूने ही उसको ठोका होगा ताकि तेरे को पैसे मिल सके, तू लगता भी गरीब है। अरे मैं गरीब हूँ पर ऐसे नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ पे वो पढ़ा था उसको मैं उठा के लाया हूँ, शिनचैन से पूछ लो। अरे हम किसी शिनचैन विनचैन से नहीं पूछने वाले, चुपचाप जेल में चल। तो गाइस यार इन्होंने मुझे अभी जेल में डाल दिया है, ये बोल रहे जिस आदमी को हमने यार बचाया था यार उसको मैं नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा यार, मैं तो बचा के उसको हॉस्पिटल लेके आया हूँ। भाई ये क्या बातें कर रहे हैं शिनचैन। अरे भाई अब क्या करेंगे। अरे यार मुझे क्या पता भाई, ये तो जेल में डाल दिया। वैसे यहाँ पे खाना मिलता है क्या। हाँ मिलता है, पत्थर मिलेंगे, पत्थर खा लेना। क्या पत्थर, अरे यार ये क्या है। अरे फैंकी भैया कम से कम यहाँ पे ठंड तो नहीं है। अरे यार शिनचैन पर यार खाना नहीं मिलेगा, और यार एक तो उसकी मदद करी और हमको जेल में डाल दिया यार, ऐसे दोनों ना होता। सर आप टेंशन मत लीजिए, हमने उन दोनों को जेल में डाल दिया जिनको ने आपकी गाड़ी ठोकी थी। अरे क्या, मेरी गाड़ी किसी ने नहीं ठोकी थी, मैंने गाड़ी दीवार में ठोकी थी, कहाँ पे वो लोग। अरे सर हमने तो उनको जेल में डाल दिया और उनको मार भी रहे। अरे नहीं नहीं रुको रुको, फटाफट से उनसे मिलवाओ। तुम दोनों बाहर आ जाओ, तुमने कुछ नहीं किया। अरे अंकल अंकल, अरे हमने आपको बचाया था ना। अरे हाँ हाँ मुझे पता है तुमने मुझे बचाया था, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, और तुमको जेल में रहने की भी जरूरत नहीं है, मैंने बात कर ली है। अरे थैंक यू यार, इनको कोई बताओ यार कि मैं हमने आपको बचाया ना कि आपको मारा है। अरे हाँ मैंने सब समझा दिया, तुमने मेरी जान बचाई है, चलो मेरे साथ। अरे हाँ चलो चलो, मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना। अरे ये गाड़ी क्या आपकी है, इतनी बड़ी गाड़ी। अरे यार तुम बैठो तो सॉरी यार, अंदर हीटर मस्त चालू है और यहाँ पे तो मस्त यार गरम गरम हवा चल रही है। अरे फैंकी भैया मुझे भी बैठना है और यहाँ पे तो खाने के लिए भी है। अरे फैंकी भैया कहाँ पे हो, मुझे भी खाना है। अरे तुम आराम से जो चाहे खाना खा लो। अरे ठीक है थैंक यू। अरे फैंकी भैया मुझे भी तो खिलाओ। अरे फैंकी भैया चखो भी, अरे मैं खाऊंगा। अरे मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ, तुमने मेरी मदद करी अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो चले। तो गाइस सर अभी हम इनके यार घर पर आ चुके हैं, उनका घर कितना ज्यादा बड़ा, इतना बड़ा गार्डन और इतनी बड़ी पार्किंग का एरिया है और इनकी गाड़ी भी देखो कितनी ज्यादा बड़ी है। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और इन्होंने यार मुझे अच्छे अच्छे कपड़े भी दे दिए। अच्छा तो मेरी बात सुनो, तुमने मेरी मदद करी है और मैंने तुम्हारे बारे में पता किया, तुम बहुत ज्यादा गरीब हो, तुम्हें यार खाना वाना भी नहीं मिलता रोज, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा एक बिजनेस है हेलीकॉप्टर और प्लेन्स बेचने का, वो बहुत टाइम से बंद है, तो उसको आज से तुम संभालोगी, तुम प्लेन्स हेलीकॉप्टर बेचना और जितने पैसे मिले वो सब के सब तुम ही रख लेना। हाँ सही में, चले मैं तुम्हें लेके चलता हूँ जहाँ पे मेरा बिजनेस चलता है। और हाँ चलो चलो। तो गाइस सर अभी हम यहाँ पे आ चुके, और गाइस सर आपने उनका घर देखा था ना, मैंने सोच लिया इस बिजनेस से मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि सेम वैसा घर मैं लेके रहूंगा, मतलब वाला घर नहीं लूंगा, वैसा ही घर सेम का सेम मैं कहीं ना कहीं बनवाऊंगा। और गाइस सर यहाँ पे देख सकते हो भाई बहुत सारे हेलीकॉप्टर और प्लेन्स खड़े जो कि हमको बेचने, तो इनको हम बेचने वाले शिनचैन भी अपनी ड्यूटी पे लग चुका है, मैंने उसको कंप्यूटर पर बिठा दिया और हम आज सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स और प्लेन बेच देंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे और वैसा सेम घर लेके रहेंगे।
आज का पता नहीं, वैसे कभी ना कभी तो ले ही लेंगे। एक सेकंड, नया कस्टमर आया। कस्टमर, हेलो सर कैसे हो? हम बहुत ही बढ़िया हैं, तुम कैसे हो? अरे मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए? अरे बच्चे, मैं सोच रहा था एक हेलीकॉप्टर लेने का, क्या तुम्हारे पास बढ़िया सा हेलीकॉप्टर है? अरे हाँ, बढ़िया के बहुत सारे हेलीकॉप्टर यहाँ पे, देखिए एक हेलीकॉप्टर, ये गोल्डन हेलीकॉप्टर, ये आप पे बिल्कुल अच्छा लगेगा। मैं तो बोल रहा हूँ आप यही ले लो, बहुत ज्यादा मस्त हेलीकॉप्टर, बहुत तेज चलता है और बहुत मस्त दिखता है। अच्छा ठीक है मैं ले लूंगा, बैंक ट्रांसफर कर दिया तुमको। अरे ठीक है थैंक यू। तो गाइस, हमने अपना पहला गोल्डन हेलीकॉप्टर बेच दिया और यार वो लेके जा रहे हैं सामने से। हमने यार बहुत ही इजीली अपना पहला गोल्डन हेलीकॉप्टर बेच दिया, बस ऐसे ही हमें बाकी के हेलीकॉप्टर और प्लेन बेचने। अरे अंकल, इस प्लेन में यार खाना भी है, बेड भी है और सबकी सब चीजें, जो भी आपको चाहिए आप फटाफट से ये प्लेन खरीद लो। और क्या, चलो ठीक है ले लेता हूँ। तो गाइस यार, आज तो यार बहुत सारे लोग आए हैं यार चीजें खरीदने, मैंने वाला प्लेन भी बेच। क्या आपने हेलीकॉप्टर फाइनल कर लिया? जी हाँ, ये मैंने हेलीकॉप्टर फाइनल कर दिया। अच्छा ठीक है, बिल कर देता हूँ। अरे मुझे इसका पिंक कलर चाहिए। अच्छा पिंक कलर, अभी पिंक कलर भी करवा देते। तो गाइस इनको फटाफट से पिंक कलर करवा देते हेलीकॉप्टर का। ये लीजिए आपका हेलीकॉप्टर हो चुका है पिंक कलर का। थैंक यू, पेमेंट मैंने कर दी है। अरे हाँ, मुझे पेमेंट मिल चुकी है। तो गाइस यार, अभी हमारे पास जो लास्ट हेलीकॉप्टर था वो भी हमने बेच दिया है, बस हमारे पास प्लेन बचे हैं, ये पिंक कलर का हेलीकॉप्टर कस्टमाइजेशन वाला, हमने इसको बेच दिया है। मैंने सारे प्लेन भी बेच दिए हैं। सही में, अबे शिनचैन ने तो सारे के सारे प्लेन भी बेच दिए, मतलब हमने सारा का सारा स्टॉक उनका सेल कर दिया। रुको यार, उनसे को मेरे को बात करने, जो कि हमारे बॉस है, उनको फटाफट से मैं यार फोन लगा के बता देता हूँ कि हमने यार बहुत सारी चीजें बेच दी, मतलब बहुत के सारे की सारी चीजें बेच दी। हाँ हेलो बॉस, हमने यार सारा का सारा स्टॉक आपका बेच दिया है। अरे क्या, सारा का सारा स्टॉक बेच दिया? अरे हाँ, सारा का सारा। अरे तो ठीक है फिर, सारे के सारे पैसे अपने पास रखो और मजे करो। है सही में? और हाँ, मैं तुम्हें यार 100 मिलियन ट्रांसफर कर रहा हूँ। है क्यों? अरे तुमने तो अच्छा काम किया और तुमने मेरी जान भी बचाई थी, याद है ना? ऐश करो। अरे ठीक है थैंक यू। अरे शिनचैन चल, अपने तो मजे हो गए। यही फेंकी में क्या हो गए? अरे चलते गए रोड पे, समझाऊंगा। शिनचैन तू मेरे पीछे आता रहे, यही टिकी पिकी पे मैं आ रहा हूँ। तो गाइस यार, अभी हम जा रहे हैं अपने नए नए घर पे, जो कि हमने लिया पूरे के पूरे $200 मिलियन का। 100 मिलियन उन्होंने दिए थे और हमने यार बहुत सारे पैसे उधर से भी कमाए थे, तो उसके आधे पैसे मैंने इधर लगा के घर ले लिया। और सेम वैसा ही घर है, बस थोड़ा सा अलग है, पर बिल्कुल अलग ही लोकेशन पर भी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि शिनचैन भी यहाँ पे घूम रहे हैं। यही फिकी पे आ जाओ, मुझे पकड़ के दिखाओ। अबे चल हटना, यही फिकी पे मुझे क्यों मार रहे हो? अरे तो बीच में क्यों आ रहा है? तो गाइस यार, आपको मैं घर के अंदर का दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम वैसा ही घर है, बहुत ज्यादा कम मतलब फर्क है और लोकेशन तो बिल्कुल ही अलग है। तो गाइस यार, आपको दिखाता हूं इसका इंटीरियर। ये है हमारा नया घर जहां पर आज से हम रहने वाले, शिनचैन मैं यहां पर रहने वाले। इतने बड़े घर में यहां पे हमारे पास टीवी, सोफा और बहुत ही तगड़ा मस्त चीजें यहां पे। और यार यहां पे दिखाता हूं आपको हमारा बेडरूम भी, वो कि ऊपर है। यहां पे नीचे तो मतलब यहां पे किचन नॉर्मल एरिया है, जो हमारे सारे बेडरूम है वो है ऊपर। और यहां पे देखो मस्त एकदम खिड़की से व्यू आता है। और यहां पे तीन बेडरूम है, ये एक बेडरूम और यहां पे दूसरा बेडरूम, और भी बहुत सारे बेडरूम है। और यहां पे एक सीक्रेट रूम लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो यार, एक गाड़ी खड़ी, मतलब ऐसे मॉडल है। और यहाँ पे देखो, ये है सीक्रेट जगह, यहाँ पे हमारी सीक्रेट जिम, मतलब जिम में कोई सीक्रेट नहीं होता, पर फिर भी हमने यहाँ पे ऐसे ही बना रखा है। तो ये देखो भाई, मस्त सी डिजाइन में यहाँ पे बना हुआ। और यहाँ पे ऊपर जाके हमारा गेमिंग जोन है, यहाँ पे पूल टेबल लगी हुई, यहाँ पे हम फुल मस्त से गेम कर सकते हैं। तो कुल मिला के यार बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला घर है और बहुत सारे सीक्रेट रूम्स भी है, वो मैं आपको कभी बाद में दिखाऊंगा। तो गाइस यार, अभी शिनचैन और मैं साइकिलिंग करने जा रहे हैं, आप भी जाओ साइकिलिंग करने, मैं भी जाता हूँ। तो गाइस यार, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो, और कैसे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके चैनल फॉलो कर लेना। और कैसे मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।